सो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हमारे गेम में पहले से ही कुछ पांच टॉप फाइव मैजिकल कैरेक्टर्स गेम में पहले से ही मौजूद हैं। मतलब हमारे गेम में कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो मतलब एकदम आप हैकर की तरह काम करोगे। और गाइस, इन कैरेक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें जितने भी कैरेक्टर हैं ये सारे आपको गोल्ड में फ्री फायर के स्टोर में अवेलेबल हैं। तो वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, जो हमारा नंबर फाइव पे करेक्टर आता है वो है क्लू। सो गाइस, ये एक फीमेल करेक्टर है और ये बहुत सारे बंदों के पास होगा भी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारे पास ये वाला करेक्टर है, इसकी एबिलिटी क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है। सो ऐसे बहुत सारे करेक्टर होते हैं उनके पास पहले से, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं आपको इसकी एबिलिटी बताता हूँ कि इसकी एबिलिटी है क्या। तो ये सिंपली आपका मोको की तरह काम करती है, लेकिन एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको क्या करती है। जब ये क्लू है तो अगर आपके पूरे एरिया मतलब आप जहाँ भी खेल रहे हो 50 जब इसकी लेवल पूरी होती है, तो जब 50 मीटर में जितने भी बंदे होंगे आपके आसपास, तो जब आपकी इसकी एबिलिटी ऑन करोगे तो ये उसकी लोकेशन बता देती है। तो उसकी लोकेशन पता चल जाती है आपको वो कि कहाँ बैठा है, कहाँ खड़ा है। तो एक मिनट, लेकिन जब वो एनिमी आपका अगर भागता होता है या फिर आपका एनिमी बैठा होता है तो ये इसकी एबिलिटी काम नहीं करती है। तो आपका एनिमी खड़ा होना चाहिए इसके लिए। सो बहुत सारे मतलब ज़्यादातर बंदे खड़े ही होते हैं। तो इसकी एबिलिटी मैंने सिर्फ नंबर फाइव पे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी एबिलिटी, सबसे पहली बात तो इसकी एबिलिटी एक्टिव है। आपको इतनी मतलब इस तरीके की एबिलिटी आपको दबा के करना पड़ेगी, जैसे वो अलोक वगैरह की एबिलिटी होती है, तो इस तरीके से आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता हो जाता है। और फिर उसके बाद में सिर्फ और जो उसका सेकेंड डिसएडवांटेज है वो है सिर्फ 50 मीटर की रेंज में करती है। तो ये इसलिए मैंने इसे नंबर फाइव पे रखा है। सो अब बढ़ते हैं हमारी टिप वो करेक्टर नंबर फोर की तरफ। तो भाई लोग, जो हमारा करेक्टर नंबर फोर पे आता है वो है रफेल। जी हाँ गाइस, सो इसकी एबिलिटी अपडेट के पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी एबिलिटी अपडेट के पहले थी क्या। इसकी एबिलिटी आपको जब ये तो पता ही है सबको कि ये स्नाइपर में साइलेंसर लगा देता है। तो अपडेट के बाद ऐसा था कि जब आपके पास क्या कहते हैं स्नाइपर थी, तो जब आप एनिमी को मारते थे तो ये सिर्फ 5 या 6 सेकंड के लिए उसमें साइलेंसर लगा देता था। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार करेक्टर था अपडेट के पहले, लेकिन जब OB27 आया तो उसने करेक्टर की करा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया है। तो रफेल में अपडेट के बाद हुआ क्या है, तो जब आप इसमें स्नाइपर यूज़ करोगे तो इसमें आपको पूरे गेम में कंटिन्यूसली आपको इसमें वो साइलेंसर आपको देखने मिलेगा, क्योंकि गाइस साइलेंसर बहुत मतलब मिलता ही नहीं है गेम में, बहुत मुश्किल से मिलता है। सो ये साइलेंसर लगा देता है स्नाइपर में। और सबसे बड़ी बात कि जो SVD मतलब SVD टाइप गन होती है, जैसे SKS हो गई और वुडपैकर हो गई, और तो ये सब में भी साइलेंसर लगा देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त और OP करेक्टर हो जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे नंबर 3 करेक्टर के बारे में। सो हेलो, अब बात करते हैं हमारा नंबर 3 कैरेक्टर के बारे में, जो कि है हमारा मैक्सिम। सो ये भी मैक्सिम अपडेट के पहले बहुत ज़्यादा टट्टी था, इसे कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन जब अपडेट आया तो इसे भी काफ़ी ज़्यादा OP कर दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका एबिलिटी अपडेट के पहले कैसे काम करता था। तो ये अपडेट के पहले इसकी जो आपको ये पता ही है कि इसकी एबिलिटी में होता क्या है, तो ये जो आपका मशरूम और ये मेडिकेट होता है, तो अपडेट के पहले ये इसे 16% स्पीड बढ़ा देता था यूज़ करने की। तो ये कुछ भी मतलब पता चलता ही नहीं था, तो बेकार सी एबिलिटी इसकी, तो कोई यूज़ नहीं करता था। लेकिन अपडेट के बाद इसकी एबिलिटी कर दी गई है कि जब ये मशरूम और मेडिकेट खाएगा
तो इसकी मतलब खाने की स्पीड बढ़ जाएगी 40%। तो सो गाइस 40% थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि गाइस जब हम मतलब अलोक वगैरह वगैरह करेक्टर में हमें जब थोड़ी सी स्पीड देखने मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है भागने की। तो मतलब उसमें थोड़ी सी 20% सिर्फ स्पीड देखने मिलती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो वो बात अलग है, वो भागने की स्पीड होती है और ये मेडिकेट की स्पीड है। सो गाइस लेकिन मेडिकेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो या रश करके खेलते हो तो आपको एनिमल डैमेज देता है, जाहिर सी बात है। तो इसमें आप जब मेडी मारते हो तो इतने काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है मेडी मारने में, लेकिन जब आपके पास मैक्सिम होगा तो भाई साहब जब 40% की जो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी मेडी मारने की तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत तेज से मेडी लगती है तो ये काफ़ी ज़्यादा ओपी हो जाता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में या फिर रश खेलते हैं जो भाई। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे नंबर टू करेक्टर के तरफ। जो हमारा नंबर टू करेक्टर है वो है जोसेफ। जी हाँ गाइज, तो जोसेफ की एबिलिटी सिंपली होती क्या है, जब आपको एनिमी डैमेज देगा, आप एनिमी को डैमेज नहीं दोगे, जब आपको एनिमी डैमेज देगा तो आपकी स्पीड जो भागने की होती है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। तो ये मतलब ये बहुत सारे करेक्टर मतलब बहुत सारे प्लेयर यूज़ करते हैं, राइस्टार और एमेटन और मतलब जितने भी ये फ्री फायर के लेजेंड्स हैं ये जोसेफ को तो यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होती है स्पीड मूवमेंट शो करने के लिए। तो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है जो कि हमारे जोसेफ के पास है, सो वो जोसेफ यूज़ करते हैं। तो जोसेफ हमारा 20% स्पीड बढ़ा देता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एकदम मस्त करेक्टर है, इसलिए मैंने इसे नंबर टू पे रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नंबर वन करेक्टर के ऊपर। सो गाइस जो हमारा नंबर वन करेक्टर है वो, चलो आप लोग गेस करो वो कौन सा करेक्टर है। मैं 5 तक काउंटिंग करूँगा तो आप लोग गेस करके कमेंट में बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5। चलो गाइस जिसने बता दिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं बताया आप सुन लो। सो जो हमारा नंबर वन करेक्टर है वो है मोको। जी हाँ गाइस, तो उसे मतलब सिर्फ और सिर्फ 20% बंदे यूज़ करते होंगे, लेकिन बंदों को ये नहीं पता कि ये करेक्टर आप यूज़ करते हो तो कितना ज़्यादा ओपी होता है। तो इसकी एबिलिटी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी एबिलिटी सबको ही पता है, जो कि है अगर जब आप एनिमी को थोड़ा सा भी डैमेज देते हो, 2 3 4 5 6 7 जितने का भी डैमेज देते हो, तो ये एनिमी की 5-6 सेकंड तक लोकेशन बताती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त सी वो है एबिलिटी। तो ये सबसे ज़्यादा काम आती है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, क्योंकि और घरों में, क्योंकि जब आपको एनिमी आपको नहीं आप एनिमी को डैमेज देते हो तो वो जल्दी से कहीं ना कहीं भाग के और मैडी मार लेता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर जब वो मैडी मारेगा तो जब आप डैमेज दोगे तो जब भागेगा तो 5 सेकंड तक तो आप उसकी लोकेशन ट्रैक करोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो आप उसे मार भी सकते हो। तो लेकिन ये गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उसकी लोकेशन पता चलेगी, ये जो हमारा नया पेट आया ड्रैगी है उसकी तरह सबकी लोकेशन ट्रैक पता चलेगी। मतलब जो ड्रैकी में क्या होता है आपकी पूरी स्क्वाड को पता चलेगा, तो इसमें भी कुछ ऐसी होता है कि आपको पूरी स्क्वाड को पता चलेगा जो आपके साथ खेल रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाता है मोको को यूज़ करना। तो गाइस उम्मीद है आपको ये करेक्टर्स पसंद आए होंगे। तो गाइस सबसे बड़ी बात, ये करेक्टर सब गोल्ड में, सिर्फ हमारा जोसेफ आपको टॉपअप करने पे मिल जाता है। तो बाकी ये 4 करेक्टर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में, तो ज़रूर ख़रीदना। और अगर आपको इनमें से कोई भी करेक्टर पहले से यूज़ करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।